हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिने टीवी ओडिशा। तो फ्रेंड्स, आज आम वीडियो रे डिस्कशन करिबा सिटी एंड बीएड एंट्रेंस 2020 पाई किछि मोस्ट इंपोर्टेंट हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस क्वेश्चन उपरे। तो फ्रेंड्स, ये होची क्लास नंबर 1। एथिरे मु नै के आछि प्रीवियस ईयर 2019 एवं 2018 हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस आपण मान बीएड एग्जाम आसीथिबा पूर्व वर्षर क्वेश्चन नै के आछि। एथिरे 20 क्वेश्चन रहिछि, आपण मान 20 रु केते मार्क रखुछन निहाति भए कमेंट सेक्शन रे कमेंट करी जणाइबे। तो फ्रेंड्स, यही वीडियोटी समस्त कॉम्पिटिटिव एग्जाम एवं समस्त टीचर ओरिएंटेड एग्जाम पाई मोस्ट मोस्ट हेल्पफुल रहिबो। तो देखने केते मार्क आप रखुंत, तो 20 क्वेश्चन रही आउट ऑफ 20 केते मार्क रखुंत कमेंट सेक्शन रे कमेंट करी जनइबे। तो फर्स्ट क्वेश्चन रही आप अंडर व्हिच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ड्यूरिंग ए फाइनेंशियल इमरजेंसी द सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट मे वारी। तो देखंतु, भारतीय संविधान भारतीय संविधान रो केउ धारा अनुजाई आर्थिक जरूरीकालीन समय रे जणे सुप्रीम कोर्ट रो विचारपति दरमा ओ भत्ता को भिन्न करा परे बा भिन्न करा जाई पारे बा से माने करो जो भत्ता एवं दरमा को कम करा जाई पारे। तो करेक्ट आंसर कौन हम आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जन पारे। तो आर्टिकल 360 रही, 420 रही, 265 रही, 302 रही, कौन हम करेक्ट आंसर? तो देखो, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल 360। आर्टिकल आमर भारतीय संविधान आर्टिकल 360 अनुजाई आर्थिक जरूरीकालीन समय रे सुप्रीम कोर्ट रो विचारपति दरमा को एवं ता भत्ता को मध्य कम करा जाई पारे। ऑप्शन नंबर ए होची करेक्ट आंसर। जो माने ए टिक करछंती एक मार्क एड करने बे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा, इनटू हाउ मेनी स्टेट और क्लासेस वाज फ्रेंच सोसाइटी डिवाइडेड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फ्रेंच रिवोल्यूशन। आमर जो फ्रेंच रिवोल्यूशन हेतिला बा फरासी विप्लव समय रे फरासी समाज को केतोटी श्रेणी रे विभक्त करा जाइथिला। तो चारिटा ऑप्शन रहिछि, 2टी, 3टी, 4टी, 5टी, कौन हम करेक्ट आंसर? तो देखंतु, करेक्ट आंसर हो आप ऑप्शन नंबर बी, 3टी। 3टी भाग रे विभक्त करा जाइथिला। फर्स्ट होछि क्लियरगी, सेकेंड होची नोबिलिटी, थर्ड होची कमनर्स, ये तीनटा भाग में विभक्त होता। ऑप्शन नंबर बी होची करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद फाउंड और लॉन्च्ड द रामकृष्ण मिशन इन व्हिच ईयर एमंग द फॉलोइंग। तो स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन को केउ खिष्टाब्दरे बा केउ मसियारे स्थापना करथिले? चारटा ऑप्शन रही, 1893, 1897, 1899, 1896। तो स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन को केबे स्थापना करथिले? तो करेक्ट आंसर होची ऑप्शन नंबर बी, 1897 रे कोलकाता थारे रामकृष्ण मिशन को स्थापना करथिले स्वामी विवेकानंद। ऑप्शन नंबर बी होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही, व्हिच फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हैज बीन एक्सेप्टेड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बा भारतीय संविधान केउ प्रकार सरकार को ग्रहण करिछंती? तो प्रेसिडेंशियल, डिक्टेटोरियल, मोनार्ची, पार्लियामेंटरी। तो देखंतु, प्रेसिडेंशियल आप जानते यहाँ राष्ट्रपति शासन आमर जो भारत में राष्ट्रपति शासन अच्छी ना एक छत्रवादी शासन रही ना राजतंत्र रही ना पार्लियामेंटरी माने संसदीय रही से पचार को प्रकार शासन भारत में चली। तो आप जानते भारत में पार्लियामेंटरी चली माने संसदीय शासन चली। तो करेक्ट आंसर होगी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द नेम ऑफ द सोशल रिफॉर्मर ऑफ इंडिया हु स्टार्टेड प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज को किए स्थापना करथिले से पचार प्रार्थना समाज को किए स्थापना करथिले बा प्रार्थना समाज केउं भारतीय सामाजिक संस्कारक द्वारा आरंभ करा जाइथिला? तो करेक्ट आंसर होची कौन हम? चारटा ऑप्शन रही, राजा राममोहन रॉय, स्वामी दयानंद सरस्वती, आत्माराम पंडुरांग, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो कौन हम करेक्ट आंसर? तो प्रार्थना समाज रो फाउंडर बा संस्थापक होचंती आत्माराम पांडुरंग। ऑप्शन नंबर सी होची करेक्ट आंसर, आत्माराम पांडुरंग प्रार्थना समाज रो संस्थापक। ऑप्शन नंबर सी होची करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर डिड द जालियाना वाला बाग मसाक्रे टेक प्लेस, माने क्यों वर्ष जालियाना वाला बाग हत्याकांड घटी थिला। तो चार ऑप्शन रही 1916, 1917, 1919, 1913, कौ वर्ष जालियाना बाग हत्याकांड घटी थिला। तो जालियाना वाला हत्याकांड घटी थिला केबे 1919 रे घटी थिला। ऑप्शन नंबर सी होची करेक्ट आंसर। तो देखो तो आमर जो अमृत पंजाब रो अमृतसर ठारे जालियाना वाला बाग मसाक्रे बा जालियाना वाला बाग हत्याकांड घटी थिला, एटा आपण माने करो केबे घटी थिला ना अप्रैल 13 अप्रैल 1919 रे घटी थिला। तो काहेकि आपण केबे डायरेक्ट आपण माने डेट मंथ एवं ईयर मध्ये दे दबो, तो आपण माने रखंतु 13 अप्रैल 1919 रे एटा घटी थिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मूवमेंट वाज सपोर्टेड बाय महात्मा गांधी टू मेंटेन हिंदू मुस्लिम यूनिटी इन इंडिया। तो देखंतु भारत रे हिंदू एवं मुसलमान करो एकता को बजाय रखिबा पाई महात्मा गांधी केउ आंदोलन को समर्थन देउथिले। तो चार ऑप्शन रहिछि। तो देखंतु अहमदिया मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट, डिसओबिडेंस मूवमेंट, कौ आंदोलन को समर्थन करुले। तो करेक्ट आंसर होची ऑप्शन नंबर सी खिलाफत मूवमेंट। तो भारत रे हिंदू एवं मुसलमान कर एकता को बजाय रखिबा पई महात्मा गांधी खिलाफत मूवमेंट को समर्थन देउथिले। ऑप्शन नंबर सी होची करेक्ट आंसर। तो आपन मन क्वेश्चन एमिति भी आसपारे खिलाफत मूवमेंट केबे हेतिला, तो करेक्ट आंसर होची 1919 रे 1919 मसेरे खिलाफत मूवमेंट होइतिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडियन नेशनल आर्मी INA वाज ओरिजिनली फाउंडेड बाय, आमर जो इंडियन नेशनल आर्मी ओरिजिनली किए स्थापना करथिले, रासबिहारी बोस, सुभाष चंद्र बोस, कैप्टन मोहन सिंह, वल्लभ भाई पटेल। तो देखो तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी कैप्टन मोहन सिंह। तो इंडियन नेशनल आर्मी को ओरिजिनली बा प्रकृत रे कैप्टन मोहन सिंह स्थापना करथिले केबे करथिले ना 1942 सेप्टेम्बर मास रे से एटा को स्थापना करथिले। तो देखो तो एटा कैप्टन मोहन सिंह होची करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु फाउंडेड द विडो रीमैरिज एसोसिएशन इन 1850। तो 1885 किए विधवा पुनः विवाह एसोसिएशन को स्थापना करथिले। चार ऑप्शन रही राजा राममोहन राय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, स्वामी दयानंद सरस्वती, विष्णु शास्त्री पंडित। तो देखो तो करेक्ट आंसर होची ऑप्शन नंबर डी विष्णु शास्त्री पंडित। विष्णु शास्त्री पंडित 1850 विधवा पुनः विवाह एसोसिएशन रो स्थापना करथिले। ऑप्शन नंबर डी होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट इंडियन रूलर हु जॉइंड द सब्सिडियरी आलायंस वाज। तो देखो तो आमर जो सब्सिडियरी आलायंस माने सहायक मिलित मंच रे प्रथम भारतीय शासक किए जॉइन करथिले बा जोग देथिले। तो चार ऑप्शन रही निजाम ऑफ हैदराबाद, पेशवा बाजीराव टू, निजाम ऑफ बंगाल, द नवाब ऑफ औध। तो देखो तो प्रथम भारतीय रूलर जे कि सब्सिडियरी आलायंस रे जॉइन करथिले से होचंती द निजाम ऑफ हैदराबाद। हैदराबाद रो निजाम प्रथमे सब्सिडियरी आलायंस रे जोग देथिले। ऑप्शन नंबर ए होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द जापानीज फोर्सेस अटैक्ड द पर्ल हार्बर ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ऑन। तो देखंतु जापान रो सैनिक माने जापान रो सैन्य माने अमेरिका रो पर्ल हार्बर को केते मसिया रे आक्रमण करथिले बा केबे आक्रमण करथिले। तो देखंतु चारटा ऑप्शन रहिछि डिसेंबर 8, 1940, डिसेंबर 7, 1941, डिसेंबर 11, 1945, डिसेंबर 7, 1942। तो देखंतु अमेरिका रो पर्ल हार्बर को जापानीज सैनिक माने 7 डिसेंबर 1941 रे आक्रमण करथिले। ऑप्शन नंबर बी होची करेक्ट आंसर, 7 डिसेंबर 1941 रे अटैक करथिले। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट फेज ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस फ्रॉम द ईयर 1885 टू 1903।
तो देखंतु 1885 रु 1903 पर्यंत भारतीय जातीय कांग्रेसर प्रथम फेज बोली कहुच्छा सेटा कौन प्रथम फेजरा कौन तो चार्टा ऑप्शन रही रिवोल्यूशनरी अब नेशनलिज्म एक्सट्रीमिज्म ना गांधियन इरा ना मॉडरेट नेशनलिज्म। तो करेक्ट आंसर होची प्रथम फेज रहा होची मॉडरेट नेशनलिज्म। ऑप्शन नंबर डी होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन विच रेगुलेशंस मेड इंग्लिश एज ए मीडियम ऑफ एजुकेशन कंपलसरी इन गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स एंड कॉलेज ड्यूरिंग द ब्रिटिश इरा। तो से कौन कहे ना ब्रिटिश जुगरे सरकारी प्राप्त स्कूल एवं कॉलेज गुड़िकरे इंग्लिश को माध्यम हिसाब शिक्षार एक माध्यम हिसाब से बाध्यतामूलक करा जाइतिला केउ रेगुलेशन अनुजाई केउ रेगुलेशन अनुजाई। तो चार्ट ऑप्शन रही पीट्स इंडिया एक्ट 1784 ना रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ना माकाउलस मिनट्स 1835 ना एजुकेशन डेस्पाच 1854। तो क्यों रेगुलेशन अनुजाई ब्रिटिश जुगरे सरकारी प्राप्त स्कूल एवं कॉलेज गुड़िकरे इंग्लिश को शिक्षार माध्यम भावे बाध्यतामूलक करा जाइतिला। तो करेक्ट आंसर होची ऑप्शन नंबर सी माकाउलस मिनट्स 1835। माकाउलस मिनट्स 1835 यही रेगुलेशन अनुजाई ब्रिटिश जुगरे भारत रे थिबा जो सरकारी प्राप्त स्कूल एवं कॉलेज गुड़े इंग्लिश को शिक्षार माध्यम भावे ग्रहण करे बाध्य करा जाइतिला। ऑप्शन नंबर सी होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ड्यूरिंग द वर्ल्ड वार टू द मनहट्टन प्रोजेक्ट विच वाज ए यूएस गवर्नमेंट रिसर्च प्रोजेक्ट हेड डेस्क। तो देखंतु आमर जो द्वितीय विश्वयुद्ध समय रे जो आमेरिकार मनहट्टन प्रोजेक्ट थिला सेमानकर सरकारी रिसर्च प्रोजेक्ट थिला। तो सेटा कौन रिसर्च करथुला से जो प्रोजेक्ट थिला सेटा कौन रिसर्च करथुला डेवलप्ड द फर्स्ट एटॉमिक बम ना गिवेन अमेरिकन न्यू इकोनॉमिक स्ट्रेंथ आफ्टर द ग्रेट डिप्रेशन ना क्रिएटेड ए न्यू राडार फॉर अमेरिकन ना प्लानेड ओवर थ्रो एडोल्फ हिटलर। तो सेटा से जो रिसर्च प्रोजेक्ट थिला सेटा कौन करिया थिला। तो करेक्ट आंसर होची ऑप्शन नंबर ए डेवलप्ड द फर्स्ट एटॉमिक बम माने आम जो प्रथम एटॉमिक बम जो निर्माण कले सेटा को विकास करने तार लक्ष्य थिला। तो ऑप्शन नंबर ए होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हु एमंग द फॉलोइंग रोट ए बुक ओरिजिनली इन हिंदी नोन एज सत्यार्थ प्रकाश द लाइट ऑफ मीनिंग ऑफ द ट्रुथ। तो देखंतु रिसेंटली निम्नलिखित मध्यरु किए हिंदी रे सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक को लेखिथिले जहाँ को इंग्लिश रे कहा जाए द लाइट ऑफ मीनिंग ऑफ द ट्रुथ। तो चार ऑप्शन रही ईश्वरचंद्र विद्यासागर स्वामी विवेकानंद स्वामी दयानंद सरस्वती राजा राममोहन रॉय। तो सत्यार्थ प्रकाश को हिंदी भाषा रे लेखिथिले स्वामी दयानंद सरस्वती केबे लेखिथिले 1875 रे। नेक्स्ट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अंडर द राइट टू फ्रीडम माने भारतीय संविधान अनुजाई आमर जो स्वाधीनता अधिकार अधीन रे कोटा भूल से पचारिछि माने कोटा आमर स्वाधीनता अधिकार नुहे बेदि से पचारिछि कोटा स्वाधीन अधिकार नुहे। तो देखो फास्ट रही फॉर्म्स एसोसिएशन एंड यूनियंस सेकंड रही फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन थर्ड रही मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटोरी ऑफ इंडिया फोर्थ रही असेंबल पीसेबल एंड विथ आर्म्स। तो देखो करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर सी असेंबल पीसेबली एंड विथ आर्म्स एटा तार अधिकार नुह माने शांति भाव एवं सैन्य मानक एकत्रित करवा यहाँ तार स्वाधीनता अधिकार नुह बाकी तीन टा आपण मानक रही आमर रही यूनियन बा आसोसिएशन बा संघ आमे गठन करिवार फ्रीडम रही स्वाधीनता रही है यहाँ ठीक अच्छे यहाँ तार आम राइट टू फ्रीडम आसूची। सेकेंड रही फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन माने आम जो जगह वक्तव्य दे पार अभिव्यक्त करपर यहाँ आम अधिकार रही है यहाँ भी ठीक अच्छे आईटा थार्ड रही आम भारत जेकोसी एरिया को मुक्त भाव में बुले पार ए तीन टा हूँ फ्रीडम राइट टू फ्रीडम रही किंतु ऑप्शन नंबर डीटा ठीक नुह ऑप्शन डी होची करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द रूलर्स अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ इंडियन पार्लियामेंट ए मनी बिल शुड बी इंट्रोड्यूस्ड बाय। तो देखो भारतीय पार्लियामेंट अनुजाई बा संसद अनुजाई मनी बिलटा कौटी इंट्रोड्यूस हेब शुड बी इंट्रोड्यूस्ड प्रेसिडेंट पाखे ना फाइनेंस मिनिस्टर ना लोकसभा ना राज्यसभा। तो करेक्ट आंसर होची ऑप्शन नंबर सी लोकसभा लोकसभा रे इंट्रोड्यूस करा जीवो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु एमंग द फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर्स वाज द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश इन इंडिपेंडेंट इंडिया एंड ऑल्सो रोट ए फेमस बुक नोन एज द गोल्डन थ्रेशोल्ड। तो निम्नलिखित मध्यरु किए जने स्वाधीनता संग्रामी जिए कि उत्तर प्रदेश रो प्रथम राज्यपाल प्रथम महिला राज्यपाल बनीथिले ता सहित से गोटे प्रसिद्ध पुस्तक लिखिछन दा नाम होची दा गोल्डन थ्रेशोल्ड। दा गोल्डन थ्रेशोल्ड किए लिखिछन्ति तो देखो चारटा ऑप्शन रहिछि सुचेता कृपालिनी अरुणा आसफ अल्ली सरोजिनी नायडू विजयलक्ष्मी पंडित। तो करेक्ट आंसर होची ऑप्शन नंबर सी सरोजिनी नायडू होचंती उत्तर प्रदेश रे प्रथम महिला गवर्नर ता सहित द गोल्डन थ्रेशोल्ड पुस्तक रचयिता मध्य सरोजिनी नायडू ऑप्शन नंबर सी होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर व्हिच आर्टिकल द राइट टू फ्रीडम इज मेंशन द इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आमर भारतीय संविधान रे केउं धारा अनुजाई स्वाधीनता अधिकार को उल्लेख करा जायछि आम भारतीय संविधान रे केउ धारा रे राइट टू फ्रीडम बा स्वाधीनता अधिकार को उल्लेख करा जाय छी। तो आर्टिकल 24 आर्टिकल 19 आर्टिकल 28 आर्टिकल 14 कोउथरे उल्लेख करा जाय छी राइट टू फ्रीडम स्वाधीनता अधिकार विषय रे भारतीय संविधान रे कोउठे लिखा जाय छी कोउ धारा रे। तो करेक्ट आंसर होची ऑप्शन नंबर बी आर्टिकल 19 रे उल्लेख रही छी ऑप्शन नंबर बी होची करेक्ट आंसर। तो लास्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रिगार्डेड एज द गार्डियन एंड द प्रोटेक्टर ऑफ पीपल्स फंडामेंटल राइट्स इन इंडिया। तो भारतीय लोकमानकर मौलिक अधिकार रक्षक तथा अभिभावक रूपे किए कार्य करुची। तो चारिटा ऑप्शन रहिछि कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया सीएजी ना ओनली पार्लियामेंट ऑफ इंडिया द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ओनली एग्जीक्यूटिव काउंसिल किए काम करुछि आमर जो भारतीय लोक मानकर मौलिक अधिकार सुरक्षा रक्षक एवं अभिभावक रूपे काम करुछि ता सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ऑप्शन नंबर सी होची करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड्स ये थिला आजर 20 हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस क्वेश्चन। तो आप माने 20 रु केते मार्क रखिछन्ते निहाती भाबे कमेंट सेक्शन रे कमेंट करी जणाइबे। जदि वीडियोटी भल लागताए ताहाल नेत गोटे लाइक करिवे एवं अधिकार अधिका कृपया संग साथ मानकु शेयर करिवे। तो फ्रेंड्स जय हिंद जय जगन्नाथ।